भागलपुर जिले के सनहौला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बुढ़िया जग बाबा के पास से शनिवार को हनवाड़ा सनहौला मुख्य मार्ग पर गुप्त सूचना के आधार पर सनहौला थाना अध्यक्ष राजीव कुमार के नेतृत्व में वाहन चेकिंग के दौरान एक टेम्पो में 297 बोतल विदेशी शराब अलग अलग ब्रांड के साथ एक टेम्पो जिसका नंबर BR10PB3593 के साथ दो युवक को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि शराब तस्कर झारखंड से शराब लेकर टेम्पो से आ रहे थे और इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि झारखंड से शराब से भरी टेम्पो भागलपुर की ओर जा रही है। इसी क्रम में पुलिस की छापेमारी के दौरान शराब तस्कर के साथ 297 बोतल विदेशी शराब के साथ एक पल्सर जिसका नंबर BR10T6571 एवं एक टेम्पो नंबर BR10PB3593 को भी जब्त किया गया है। इधर थाना अध्यक्ष राजीव कुमार के मुताबिक बताया जाता है कि शराब तस्कर झारखंड से शराब लेकर आ रहा था और इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर गाड़ी रोककर जांच किया गया तो गाड़ी में शराब का धंधा करने वाला तस्कर व गाड़ी गिरफ्तार किया गया। तस्कर का नाम शंकर पासवान, पिता स्वर्गीय चंद्र पासवान, ग्राम जगतपुर, थाना प्रवक्ता, जिला भागलपुर। दूसरे का नाम रवि कुमार, पिता स्वर्गीय मोदी पासवान, ग्राम छिज्जो, थाना लोदीपुर, जिला भागलपुर बताया जाता है, जो काफी दिनों से यह धंधा करता आ रहा है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान विदेशी शराब का अलग अलग ब्रांड बरामद किया गया है जिसका गाड़ी नंबर BR10PB3593 बताया जाता है। छापेमारी के क्रम में थाना अध्यक्ष के अलावा कई पुलिस कर्मी मौजूद थे। शराब के मामले को लेकर पुलिस की छापेमारी जारी है। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।